हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे क्रिकेट का आखिरी बॉल और बैट का ही पूरा खेल होता है। यहाँ पे हर मैच में रिकॉर्ड बनते और टूटते नजर आते हैं। यहाँ पे रनों की बारिश भी होती है, विकेट्स का पतझड़ भी देखने को मिलता है। अब तक सभी मैच रोमांचक और टक्कर के हो रहे हैं, जहाँ पे 2022 IPL के दोनों फाइनलिस्ट की मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला खेला जाएगा, जहाँ पे रोहित शर्मा ऋषभ पंत की टक्कर इस मैच में देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 20वें मैच की, जो कि खेला जाएगा 7 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पे मुंबई को टूर्नामेंट में अब तक जीत का मजा भी नहीं चखी। तो जहाँ पे दिल्ली को लास्ट गेम में KKR से हार मिली थी, दोनों टीम जो कि अब तक लो परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर सूर्या भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अब तक टोटल 33 मैच खेलेंगे, जिसमें से मुंबई 18 मैच जीत के आ रही, वहीं पर दिल्ली 15 मैच जीत के आ रही। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे वानखेड़े स्टेडियम के पिच फास्ट है, बॉल पे यहां पे बाउंस होकर विकेट पर आती है, जहां पे बैटर्स को यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, पिच से स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 66% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 49% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। वहीं अगर बात करें इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 168 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 158 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना रास नहीं आया। टीम की स्टार्ट बहुत ही खराब दिख रही है, टीम अब तक खेले गए 3 मैच में बुरी तरह पिट के आ रही है और टेबल में सबसे नीचे स्टेबल है। अब टीम को गेम प्लान बदलना होगा। लास्ट मैच में जहां पे टीम की बैटिंग सुपर फ्लॉप थी, टीम बस 125 रन ही बना पाई, जहां पे ओपनिंग में ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतर रहे हैं। वहीं नंबर 3 पर जहां पे नवनदीप को मौका मिला था, मिडिल ऑर्डर में जहां पे तिलक वर्मा और टीम डेविड जो टीम की असली ताकत है, तिलक वर्मा जहां पे लीडिंग रन स्कोरर भी है, जहां पे फिनिशिंग के लिए हार्दिक पांड्या और डिवाल ब्रेविस शामिल है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी हर एक मैच में पिट के आ रही है, टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन जो टीम ट्राई कर रही है। बॉलिंग में टीम को जसप्रीत बुमराह जो ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे, जहां पे आकाश माधवल जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था उन्होंने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए थे, जहां पे साउथ अफ्रीकी पेसर जयाल कोट जी जो कि इकोनॉमिक स्पेल भी डाल रहे हैं, जहां पे क्वेन मफावा जो टीम को लगातार मौका भी दे रही है, और स्पिन बॉलिंग में जहां पे एक्सपीरियंस पीयूष चावला भी है। अब बात करते हैं मुंबई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, नमन धीर है, टीम डेविड है, हार्दिक पांड्या है, पीयूष चावला, आकाश माधवल है, जयाल कोट जी है, जसप्रीत बुमराह, क्वाना मफाका। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि रोमारियो सैफ्रेड है, दीवार ब्रेविस है, नुमन तुषारा, निहाल वडेरा, सैम्स मुलानी है। अब बात करते हैं कि कुछ की प्लेयर की देखा जाए, जहां पे रोहित शर्मा है, तिलक वर्मा है, जसप्रीत बुमराह। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम टूर्नामेंट में स्टार्ट खराब रहा, टीम अब तक एकजुट होकर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, टीम के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, टीम अब तक 4 मैच में से बस एक ही मैच में जीत हासिल की है, जहां पे लास्ट गेम में टीम KKR से बुरी तरह पिट गई थी। वहीं पर टॉप ऑर्डर में जहां पे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 3 पर जहां पे मिचेल मार्श जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, इस मैच में उनको ड्रॉप किया जा सकता है। टीम के लिए बस एक गुड न्यूज है, कप्तान पंत जो कि फॉर्म में आ रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन 55 रन भी बनाए। जहां पे मिडिल ऑर्डर में अभिषेक पोरेल और कृष्णन स्टाफ जो टीम को बैलेंस कर रहे हैं, स्टाफ ने लास्ट गेम में 54 रन बनाए थे। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो टीम बहुत महंगी पिट गई थी, टीम ने IPL इतिहास की दूसरा सबसे बड़ा रन स्कोर बनवा दिया था, जहां पे साउथ अफ्रीका पेसर एंड्रीज नॉर्जी जो कि लास्ट मैच में बहुत महंगे पिट गए थे, लेकिन उन्होंने 3 विकेट भी लिए थे। वहीं पे मुकेश कुमार जो कि लास्ट गेम में चोट के चलते बाहर हो गए, यहाँ पे खलील अहमद जो टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी स्पिन डिपार्टमेंट में, अक्षर पटेल को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिल रही थी। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, टिस्टन स्टाफ्स है, ऋषभ पंत है, अक्षर पटेल है, सुमित कुमार है, असिंग सलम है, खलील अहमद है, ईशान शर्मा है, एंड्रीज नॉर्जी है। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि मुकेश कुमार है, जैक फ्रेशर है, अभिषेक पोरेल है, प्रवीण दुबे है,
और कुछ आगरा है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि डेविड वार्नर है, ऋषभ पंत है, खलील अहमद है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आज का टॉस विनर दिल्ली कैपिटल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैच विनर मुंबई इंडियंस होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की रिसेंटली बात करें तो तीनों मैच में काफ़ी लो परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उम्मीद है कि चौथा मैच जो खेलेगी वो जीत कर ही जाएगी। कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो करें हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।